राजस्थान के किशनगढ़ में ऐसा क्या खास है जो बहुत कम लोग जानते हैं? राजस्थान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में हवा महल, आमेर किला, मेहरानगढ़, हल्दी घाटी, रेगिस्तान जैसे पर्यटन स्थल घूमने लगते हैं। दरअसल इन सब के अलावा एक शहर है किशनगढ़, जो अपने विशाल मार्बल भंडार और डंपिंग यार्ड के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये जयपुर और अजमेर के बीच बने हाईवे पर स्थित है। अजमेर शहर में इसकी दूरी मात्र 30 किलोमीटर है, जबकि जयपुर से ये 100 किलोमीटर है। आपको बता दें कि मार्बल उद्योग में रोजाना हजारों लीटर मार्बल और ग्रेनाइट की स्लरी निकलती है, जो किसी काम की नहीं होती। स्लरी वह तरल पदार्थ है जो मार्बल और ग्रेनाइट के पत्थरों को काटने पर निकलता है। सूखने के बाद वह सफेद चूरा हो जाता है और जिस भी क्षेत्र में डंप किया जाता है, वहां के आसपास के पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं तथा वह जमीन बंजर हो जाती है। इसीलिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी फैक्ट्रियों को डंपिंग यार्ड में ही स्लरी डंप करने का निर्देश दिया है। ऐसा ना करने पर उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है। किशनगढ़ में दो डंपिंग यार्ड है, एक पुराना है जो शहर के नजदीक है और एक नया जो शहर से थोड़ी दूरी पर बनाया गया है। नया डंपिंग यार्ड आकर्षण का केंद्र है, जो लगभग 300 बीघा में फैला है। यह क्षेत्र आपको बर्फीले मैदान का एहसास दिलाएगा, इसी वजह से कुछ लोग इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ जगहों पर गड्ढे मिलेंगे, जिसमें पानी भरने पर वे आसमानी नीले रंग के दिखाई देंगे। पर्यटकों के अलावा अब तो यहाँ फिल्में और विज्ञापनों की शूटिंग भी होने लगी है। हाल ही में कई फिल्मों के गाने, जैसे फिल्म किस किस को प्यार करूं का गाना, समंदर, बागी 3 का 10 बहाने 2.0, दबंग 3 का यूं करके, गुरु रंधावा का सुरमा सुरमा आदि किए गए हैं। यहाँ प्रवेश करने के लिए आपको नगर निगम से अनुमति लेनी पड़ेगी। गर्मियों में यहाँ पारा 45 डिग्री के पार पहुँच जाता है, तो कोशिश करें कि बरसात या सर्दी में ही आएं।